लिखेंगे। तो चलिए आज हम भोलेनाथ भगवान शंकर से जुड़ी हुई सात रहस्यमय बातों को आपको बताएंगे कि भगवान शंकर जो हैं गले में सांप क्यों पहनते हैं, ये डमरू क्यों रखते हैं, तिरछूल का क्या महत्व है, ठीक है ना। बहुत सारी बातें भगवान शंकर से जुड़ी हुई आज के वीडियोज में हम करने वाले हैं। दोस्तों तो आज का मेरा जो क्लास होगा वो सभी क्लास से अलग होगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ देवों के देव महादेव भगवान शंकर से जुड़ी हुई सात महत्वपूर्ण रहस्यमय, ठीक है। तो जो भी लोग भगवान शंकर से प्रेम करते हैं वो लोग कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। तो चलिए आज हम भोलेनाथ भगवान शंकर से जुड़ी हुई सात रहस्यमय बातों को आपको बताएंगे कि भगवान शंकर जो हैं गले में सांप क्यों पहनते हैं, ये डमरू क्यों रखते हैं, तिरछूल का क्या महत्व है, ठीक है ना। बहुत सारी बातें भगवान शंकर से जुड़ी हुई आज के वीडियोज में हम करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप वीडियोज को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सारी बातें समझ में आ पाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला रहस्य, ठीक है। सबसे पहला रहस्य ये है कि भगवान शंकर सांप क्यों रखते हैं, यानी सांप जो भगवान शंकर जो गले में सांप पहने रहते हैं इसका क्या मतलब है, ठीक है। देखिए सांप का मतलब ये होता है, सांप जागरूकता का प्रतीक है। आप अपनी गर्दन के आसपास सांप के साथ सो नहीं सकते। सांप जागरूकता का प्रतीक है, यानी जागरूक करता है लोगों को कि आप एक्टिव रहें, क्योंकि सांप अपनी गर्दन के आसपास सांप के साथ सो नहीं सकते हैं आप, ठीक है। और एक चीज़ और है यहाँ पे, कुल मिलाकर मैं एक चीज़ और बता दूँ फाइनल कि चलिए आगे हम लास्ट में बताएंगे। अगला देखिए, अगला जो यहाँ पे दूसरी रहस्य है राख। देखिए भगवान शंकर जो है भभूति जो होता है ना उसको भी अपने साथ रखते हैं, तो राख का क्या मतलब होता है। सो देखिए, आपको जीवन की अर्धपूर्णता की याद दिलाने के लिए यह जानते हुए कि हम जीवन को पूरी तरह से जीते हैं, तो आपको जीवन की अपूर्णता को याद कराते हुए यह हमें जानना होता है कि हम जीवन को पूरी तरह से जी रहे हैं। अब आइए तीसरी रहस्य जानेंगे भगवान शंकर से जुड़ी हुई। तीसरी रहस्य ये है कि आज चंद्रमा एक आभूषण है, यानी भगवान शंकर जो चंद्रमा को माथे पर जो रखे हैं, यहाँ पे चंद्रमा देख लीजिए आप, चंद्रमा जो है ये इनका आभूषण है, इनका एक गहना है। तो चलिए देखते हैं, चंद्रमा और मन जुड़े हुए हैं, जीवन के सभी चरणों में खुश रहने के लिए आपको मन के बारे में कहना होगा, ठीक है। तो चंद्रमा और मन से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो जीवन के सभी चरणों में खुश रहने के लिए आपको एका करता है, संकेत करता है। चलिए हम देखते हैं चौथा रहस्य भगवान शंकर से जुड़ी हुई। तो चौथा है कि डमरू, भगवान शंकर जो ये डमरू रखते हैं, डमरू का क्या अर्थ होता है, डमरू का क्या महत्व है। देखिए इसमें अनंत के प्रतीक के समान आकार हैं, शिव असीम अनंत चेतना है। शिव जो हैं अनंत हैं और असीम हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है, तो इसमें अनंत के प्रतीक होता है और समान आकार के हैं, और शिव असीम अनंत चेतना होती है, ठीक है। पांचवा रहस्य हम देखते हैं, पांचवा रहस्य त्रिशूल, भगवान शंकर जो है त्रिशूल को अपने पास रखते हैं, त्रिशूल जो है इनका एक हथियार है, ठीक है। तो देखिए त्रिशूल में प्रतिनिधित्व किए गए तीन गुणों पर शिव शासन करते हैं, फिर भी वह सभी को अपने धर्म कार्य करने और सत्य के लिए खड़े होने के लिए प्रोत्साहित भी करता है, ठीक है। तो ये त्रिशूल जो होता है भगवान शंकर का जो हथियार है, ये आपको वही बात का संकेत करता है कि कार्य करने और सत्य के लिए खड़े होने के लिए आप जो है मतलब कि इसको प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। आइए छठा रहस्य देखते हैं। छठा रहस्य है नीला शरीर, भगवान शंकर का शरीर नीला है, ठीक है।
देख लीजिए आप, इनको नीलकंठ भी कहा जाता है। ये भी हम आपको बता देंगे इनको नीलकंठ क्यों कहा जाता है, पहले जान लीजिए। देखिए, एक बार जब समुद्र मंथन हो रहा था देवताओं और राक्षसों के बीच, तो विष निकला जो पूरे संसार में फैल रहा था, और उस विष को, उस जहर को देखकर देवता और राक्षस भागने लगे और ये पूरे दुनिया में फैलने लगी। तब भगवान शंकर ने इस विष को अपने नट्टी पर रखा, जिसके वजह से जो है उनका कंठ नीला हो गया, इसीलिए इन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। और यही कारण ये भी है कि इसी कारण जो है गले में सांप के, क्योंकि सांप ठंडा होता है, इसको ये रखते हैं जिससे कि इनको ठंडक मिलती है। चंद्रमा भी ठंडा होती है, चंद्रमा को भी रखते हैं, गंगा को भी रखते हैं, ये सब कारण से हैं। ठीक है, भगवान शंकर को सांप और चंद्रमा और ये जो है नीला कहलाने का। ठीक है, आगे देखिए, आकाश में असीम है और ऐसा ही शिव है। देखिए, आकाश भी अनंत है, इसका अर्थ देख लीजिए। अब नीला शरीर का मतलब क्या होता है कि जिस तरह आकाश का रंग नीला होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है, उसी तरीका से आपको भगवान शिव भी असीम है, इनकी भी कोई सीमा नहीं है, और आकाश नीला है और शिव का रंग भी नीला है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सातवां हम आपको दिखाएंगे रहस्य, गंगा के बारे में क्या कहना है। गंगा, इनके जो जटा होते हैं, माथे पर गंगा है, तो गंगा ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए, गंगा ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। गंगा बताती है कि हमारे सामने कितनी भी कठिन परिस्थितियां आती है, फिर भी मैं उससे सामना करते हुए आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, तो गंगा जो होता है ये ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। जब आप शिव में स्थापित हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से बुद्धि मर जाती है। जब आप शिव के भक्ति में लीन हो जाते हैं तो आप सारी दुनियादारी को छोड़कर आप भगवान की भक्ति में क्या हो जाते हैं, रम जाते हैं, और उनकी ही भक्ति आपकी जीवन की सबसे अहम कार्य बन जाती है। तो ये सात बातें हम भगवान शंकर से जुड़ी हुई आपके साथ से साझा करें। तो चलिए, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये बातें कितनी अच्छी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।